चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शरीफगढ़ गांव में एक महाठग राजा बाबा बटभाग के सिंह के नाम पर राजेश कैंडी, आपको बता दें कि 12 साल से लोगों को पैसे दुगने करने और विदेश भेजने के सपने दिखाकर लोगों को ठगता रहा। यहां बाबा की दुकान इस कदर चली कि बाबा के पास बत्ती वाली गाड़ियों के साथ वीआईपी लोग आने शुरू हो गए और बाबा लोगों को करोड़ों रुपए ठगता रहा। जब तक लोगों को बाबा के करतूतों के बारे में पता चला, उससे पहले ही बाबा फरार हो गया। फिलहाल पुलिस बाबा की तलाश कर रही है। संबंध में 2-3 जगह मुकदमे दर्ज हुए हैं, कैथल में और यहाँ पर शाहबाग के पास गांव में मुकदमे दर्ज हुए हैं और उसके खिलाफ जो भी सबूत आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लगाया कि भी ये सोना जो चढ़ता था, चढ़ावे का सोना था, उसको सस्ते रेट पे बेच दिया। विदेश भेजने के भी आरोप हैं, 2-3 तरह के आरोप हैं उसके ऊपर। तो पुलिस लगातार पूछताछ उससे हो रही है, उस बारे में जांच हो रही है, जैसे ही वो बात सामने आएगी वो आपको कर। और रणदीप रोड संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणदीप, ये ठग बाबा कब से इस तरीके का जो अपना ये कारोबार था वो यहाँ पर कर रहा था, किस तरीके से लोगों को इसके ठगपंथी की जानकारी मिल पाई? देखिए, 12 साल पहले बताया जा रहा है, यहाँ ये गांव शरीफगढ़ में जो बाबा भाग सिंह जो डेरा था वो स्थापित किया गया था और वहाँ ये बैठा था। उससे पहले दिल्ली में कहीं ये कीर्तन वगैरह करता था। 12 साल से यहाँ एक तरह से काम कर रहा था, संगत यहाँ आती थी और ज्यादातर जो संगत है पंजाब से आती थी, दूसरे प्रदेशों से आती थी, स्थानीय लोग बहुत कम उसके साथ जुड़े और जो ठगी का शिकार भी वही लोग हुए जिन्होंने शिकायत की और बाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया। फिलहाल जो आरोपी है वो फरार है और पुलिस उसको पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। रणदीप, लेकिन बड़ी ही हैरान कर देने का ये मामला है, इतने सालों से यहाँ पर ये ठग बाबा जो था अपना कारोबार यहाँ पर कर रहा था लेकिन पुलिस प्रशासन को कानून कान खबर तक नहीं पड़ी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से धार्मिक एक तरह से संस्थान वो बन गया था, लोग झाड़ फूक के लिए वहां आते थे और काफी संख्या में आते थे, हर सप्ताह वहां पर एक तरह से बड़ा आयोजन होता था, तो लोगों की एक तरह से शिकायत कहीं सामने नहीं आ रही थी और पुलिस भी जब तक एक तरह से उसके कहीं मामले में दखल नहीं करती जब तक कोई इस तरह का मामला ना आता हो, और एक तरह से पुलिस के नाक के नीचे कहीं, प्रशासन की नाक के नीचे कहीं इस तरह का धंधा 12 साल से चल रहा था भेजने के नाम पे या जो सस्ता सोना बेचने के नाम पे, इस तरह की जो बिल्कुल। रणदीप, हालांकि इस पूरे मामले में एक चीज और निकलकर सामने आई है कि जो आम नागरिक है उनके साथ साथ कई वीआईपी जो लोग थे वो भी इस बाबा के दर पर आते थे। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं पुलिस प्रशासन को कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी लेकिन वीआईपी लोगों का तक यहाँ पर आना और इसके पास वीआईपी गाड़ी तक बताई जा रही है वो भी थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक संरक्षण इस बाबा को यहाँ पर मिला हुआ था? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आमतौर पर देखा जाता है इस तरह के जो बाबा लोग हैं अपने जो संपर्क हैं वीआईपी लोग आना जी। चलिए जी बिल्कुल रणदीप, हालांकि अब इस मामले में क्या कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या अभी तक मामला दर्ज हुआ है और क्या इस ठग बाबा की तलाश अभी की जा रही है जगह जगह पर? जी, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, सीआईए स्टाफ को मामला सौंपा गया है और डीएसपी अजय राणा इसकी खुद जो एक तरह से जांच कर रहे हैं और फिलहाल जो बाबा है फरार हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो किसी जो उनकी कोई दूसरी बीवी थी या क्या था किसी के साथ फरार हो चुके हैं और जैसे उसको भनक लगी कि मामला दर्ज होगा कुछ अनुयायियों ने खिलाफत शुरू की, पंजाब के खासतौर से लोग थे, तो वो यहाँ से फरार हो लिया, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो उसको पकड़ने के लिए दबिश दे रहे हैं। जी यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, कैसे इन लोगों को इस ठग बाबा के बारे में जानकारी मिली थी कि कब से ये लोग यहाँ पर इस बाबा के यहाँ पर आ रहे थे और क्या बताया जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी क्या इस बाबा का ये जो काला कारोबार है वो वहाँ पर चल रहा है, ऐसी कोई जानकारी भी मिल पाई है क्या?
देखिए अन्य राज्यों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन वो दूसरे राज्यों में भी आता जाता था, उसके अनुयायी काफी राज्यों में थे, वो हो सकता है वो पंजाब हिमाचल में कहीं ना कहीं उसने और ठिकाने भी बनाए हो। तो पुलिस हर एंगल से दबिश दे रही है, उसकी जो कॉल रिकॉर्ड जो डिटेल है उसको खंगाल रही है, उसके साथ जो नजदीकी जो उसके जो लोग थे, उसके निजी जो सहायक थे, उनको उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। तो पुलिस हर एंगल से अब उसमें एक तरह से जुटी हुई है कि उसके जो बैंक खाते हैं उनको खंगाला जा रहा है। तो अब एक तरह से मामले को संगीनता से देखा जा रहा है और पुलिस इसमें जुटी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप रोड़ इस तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।